जी तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो मैं हूँ आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो आज हम चैप्टर 1 के अगले हिस्से की जानब मूव करते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ एक चीज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ आपके चैप्टर 1 तो फाइल्स हैं, तो क्योंकि हमने डे बाय डे टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, स्पीड की तरफ जाना है, ताकि हमें कंप्यूटर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारी काम में बेहतरी आए। तो आप देखें, हमारे पास पहले जो ओल्ड सिस्टम था, ये ऑनलाइन सिस्टम तो अभी आया है या ये तो सॉफ्टवेयर अभी बने हैं, तो ये तो हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड था, हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, कॉलेज वाले की एग्जांपल लेते हैं, तो आप बच्चों का रिकॉर्ड संभालने के लिए उनको अपनी फाइल्स को संभाल के रखना पड़ता था। वो ऑफिस में एक जगह पे फाइल रखी, हमारे पास रिडंडेंसी थी, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो जिनको मद्देनज़र आके हम टेक्नोलॉजी की तरफ आए और हमारा काम और ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर तो फ़ायदा देता ही देता है और इंतहा का फ़ायदा देता है। तो आपने जहन में ये विजुलाइज़ करना है कि आपके पास पुराने ज़माने में हमारा यही काम, ये तो अभी ऑनलाइन सिस्टम आया, इससे पहले कौन से ज़माने में किस तरह काम होता था और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने फेस किया था। तो हम अपने चैप्टर की जानब मूव करते हैं। तो ये आपकी आईटी सीरीज़ की बुक है, अगर आपने अभी तक नहीं ली तो आप इसे काइंडली परचेज़ कर लें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, पेज नंबर 11 के ऊपर। तो हम इसको एक दफ़ा जूम कर लें थोड़ा सा। तो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ पढ़ी थी वो था फाइल्स को एक्सेस कैसे करते हैं, सीक्वेंशनल फाइल, रैंडम फाइल और इंडेक्स सीक्वेंशनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी फाइल को, हम एक सिस्टम के अंदर क्या फाइल प्रोसेसिंग होती है, हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया था ओल्ड ज़माने में, जिसे आप ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच कहते हैं। तो आजकल तो हमारा कंप्यूटर दौर आ चुका है टेक्नोलॉजी का। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कैसे करते थे, हम उसको मैनेज कैसे करते थे और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे पास ये द रिकॉर्ड इन वन फाइल मे नॉट बी रिलेटेड टू द रिकॉर्ड स्टोर इन अदर फाइल्स। ठीक है, तो हमारे पास एक फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो वो दूसरी फाइल में हम उनको कैसे स्टोर करवाते थे। तो ये आपके सामने फिगर है, एम्प्लॉय है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉय है। फॉर एग्जांपल आप टीचर्स ले लें तो सेल्स डिपार्टमेंट है, आपके कुछ कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट्स कह लें, सेल्स है, इन्वेंट्री है, अकाउंट्स है। तो आपकी ये मल्टीपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स को हम अपने डेटा को कैसे मैनेज करते थे, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। नंबर वन है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है कि हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, हमारे पास मल्टीपल कॉपीज जनरेट होती थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है, एम्प्लॉयज़ का डाटा यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जगह जगह पे भी डाटा पड़ा हुआ है। तो हमारी जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती थी। तो यहाँ पे नंबर वन जो हमारे पास प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो था कि डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, अगले 6 चैप्टर में यही डेफिनेशन बार बार रिपीट होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसके ऊपर टिक भी कर लें। तो डाटा रिडंडेंसी ऑफ डाटा कॉजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। ठीक हो गया, वही आपको कंसेप्ट जस्ट समझ आ जाए तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान होती है। तो उसके बाद है जी, ये वही एग्जांपल दे रहा है कि सपोज़ करें आप एक स्टूडेंट हैं कॉलेज के, तो आपकी स्टूडेंट की फाइल लाइब्रेरीज के अंदर भी पड़ी होगी, आपके अकाउंट्स के अंदर भी पड़ी होगी, टीचर्स के पास भी होगी, तो डिफरेंट जगह एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिफरेंट जगह पे अपेयर होगा। ठीक है, आगे जो दूसरे नंबर पर डाटा इनकन्सिस्टेंसी, ये भी हमारे पास दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम एक जगह पे डाटा चेंज करें तो डाटा दूसरी जगह पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हमने एक जगह पे चेंज किया तो दूसरी जगह पे डाटा हमारा चेंज नहीं होगा, तो हमें बार बार दूसरी जगह पे तब्दील करना पड़ेगा। तो ये एक इनकन्सिस्टेंट वे है, तो ये कोई एक अच्छा वे नहीं है। तो आपको जो लाइन आसान लगे आप उसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। आगे जो है जी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या होता है कि हमारा डाटा डिपेंडेंट है, कि हमारा डाटा हर एक डिपार्टमेंट का, हमारा एक हर एक ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स वालों पे डिपेंडेंट है, लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है, एक स्टूडेंट का डाटा। तो डाटा हमारा इंडिपेंडेंट वे पे नहीं है,
एक जगह पे डाटा नहीं पड़ा होगा कि हर बंदा उसको एक जगह से एक्सेस कर ले। तो आप एग्जांपल लें गुजरांवाला बोर्ड की, कि डाटा इंडिपेंडेंट है, हमने रोल नंबर आप चाहे मंडी में बैठ के सर्च करें, आप गुजरात में बैठ के सर्च करें, आपने गुजरांवाला बोर्ड की डाटा बेस से डाटा को एक्सेस करना है, तो ये डाटा इंडिपेंडेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कि डाटा हमारा डिपेंडेंट है, अगर हमने कोई डाटा लेना है लाइब्रेरी से तो वो कहेगा हाँ जी ये डाटा है आपका, तो हमारा डाटा डिपेंडेंट है। तो ये भी एक तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी, एक हमारा डाटा इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है। तो आपको ये जो डेफिनेशन आसान लगे आप वो देख लीजिएगा। इसके बाद है नंबर 4, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने आपको ये 4 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा काइंडली, अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखी डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली, तो अभी नीचे लिंक भी दिया गया है या आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, तो आप काइंडली इसके ऊपर क्लिक करके एक दफ़ा उसे देख लें, ताकि आपके कंसेप्ट डेटाबेस के और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्लियर हो जाएं। टोटली 8 से 9 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हमारा डाटा फ्लेक्सिबल वे में नहीं था। ट्रेडिशनल फाइल में हमारा डाटा ज़रा भी फ्लेक्सिबल वे में नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगता था फाइल्स को कलेक्ट करने के लिए और उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती थी। उसके बाद है जी नंबर 5 है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। तो हम डाटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, इसके अंदर कुछ कंसंट्रेट नहीं थे, कुछ रूल्स नहीं थे, तो जो हमें डाटा को फेस करना पड़ रहे थे, हमारा डाटा एक एक्यूरेट नहीं था होता, रिलायबल नहीं था। तो कंप्यूटर तो हमें पता है कि कंप्यूटर को हमने जो इंस्ट्रक्शन देनी है उसने तो हमें वही परफॉर्म करके देनी है, हम जो उससे फार्मूला लगाएंगे हमने तो उसने तो हमें वही एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स थी। नंबर लास्ट 16 सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के में क्या थी, उसके अंदर हमारे को हम फाइल्स को तो दूसरा अपने जो पेपर पड़े हुए हैं हमारे जो रजिस्टर्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है हम उनको लॉक में तो रख सकते थे, पर इतना भी लॉक कोई तोड़ भी सकता था। तो यहाँ पे हमें DBMS डेटाबेस के अंदर फैसिलिटी क्या होती है, हम अपने अकाउंट्स को पासवर्ड लगा सकते हैं। आप अपने कभी देखें मोबाइल्स को आपने लॉक लगाए होते हैं, व्हाट्सएप को लॉक लगाए होते हैं, अपने डाटा को सिक्योर किया होता है, तो यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी। तो ये था हमारे ओल्ड वेरियंट्स के अंदर फाइव ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर कितनी किस्म की प्रॉब्लम थी, तो हमने उनको आगे डे बाय डे कैसे टैकल करना है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं डिसएडवांटेज हैं ट्रेडिशनल फाइल के, आगे जाके यही चीज़ें हमारे पास एडवांटेज में आएंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डेटाबेस, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर टिक कर लें कि वो कह रहे हैं डेटाबेस है क्या और हमारे पास क्या क्या डेटाबेस सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो डेटाबेस हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट और फाइल्स हैं। हमने चीज़ों को पढ़ा है फाइल्स क्या थी डेटा सेट्स क्या थे, तो उनके रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड था लॉजिकली रिकॉर्ड जो हम कंप्यूटर के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं वो कहलाता है आपका डेटाबेस। तो ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, हम हर एक फाइल को डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम अपने जो जो मकसद हैं उनके लिए इन चीज़ों को अपनी फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। द फाइल मे बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज टू मीट डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल यूज़र रिक्वायरमेंट, तो वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि हम उनके ऊपर कौन कौन से रिक्वायरमेंट लगा रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं डेटाबेस की, अगर पेपर में आ जाए कि डेटाबेस की कुछ एग्जांपल लिखें तो आप लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमें फैसिलिटी क्या देता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, आप अपने रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आप इसको सिंपल वे में क्रड का नाम दे सकते हैं, क्रड मींस क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेपर चेक हुए, आपके मार्क्स आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन, आपने डेटा पुट किया, फिर हमने उसको फाइंड किया, फिर उसको अगर कुछ बच्चा कहता है मेरा यहाँ से ठीक था तो आपने गलत किया, अपडेट किया, फिर हम चाहते हैं कि बच्चा पास आउट हो चुका है, आप इसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी डेफिनेशन डेटाबेस, डेटाबेस है क्या और उसकी एग्जाम्पल क्या थी। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका गुजरांवाला बोर्ड की पेपर स्कीम का कि डेटाबेस सिस्टम है क्या और उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो डेटाबेस सिस्टम 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट है, एक है डेटाबेस
और सिस्टम। डेटाबेस आप ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। सिस्टम क्या होता है कि चंद कंपोनेंट्स का आपस में मिलकर किसी गोल को अचीव करना। तो सिस्टम क्या होता है, अभी ऑर्गेनाइजेशन है, सुपीरियर कॉलेज है, तो हम कितने डिपार्टमेंट्स मिलके हम एक गोल को अचीव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की बात के अंदर डेटाबेस को डेवलप करने के लिए हम कौन से ऐसे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, तो तब हमारी डेटाबेस के एक सिस्टम को सक्सेसफुली अचीव कर सकेंगे। तो हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन वही है जो आप ऑलरेडी पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, जो आप स्टोर कर रहे होते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम में, जो कि आप मेन पर्पस सिस्टम में आप अपने डेटा को मेंटेन रखते हैं और आप उनको रिक्वायर्ड को चीज़ों को हल करते हैं। नंबर 1 है जी कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। 1, डेटा की डेफिनेशन आप पढ़ के आ चुके हैं। डेटा था क्या, डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो डेटाबेस के अंदर आप डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा आपका किसी भी फॉर्म का हो सकता है। आगे जी नंबर 2, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कि आप इंटर पार्ट 1 में पढ़ के आ चुके हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या था। हार्डवेयर आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि आप जिनको आप टच कर सकते हैं, फिजिकली कंपोनेंट्स हैं। तो ये दूसरा कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसके अंदर आपको ज़रूरत होती है सेकेंडरी स्टोरेज की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस आपकी एग्जांपल है, प्रोसेसर है, मेन मेमोरी है जिसे आप रैम का नाम देते हैं। नंबर 3, तीसरा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं सॉफ्टवेयर था क्या, उसकी टाइप्स कितनी थी। तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर की यही एग्जांपल है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। तो जो आप किसी भी डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो DBMS एक खुद है जिसके ऊपर हम जितना भी काम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे, क्यूरी इंसर्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सामने अभी ये विंडो 10 है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, हमें इसको ऊपर सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके तमाम सॉफ्टवेयर को रन करता है। आगे DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जिसके ऊपर हम अपना प्रैक्टिकल काम करेंगे। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, जो कि हमारा जो डेटा एक्सेस करने के लिए, हम अपने फाइल्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नंबर 4 है पर्सनल। पर्सनल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर्सनल के अंदर तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, पर पर्सनल के अंदर जो चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूज़र। आप इन तीनों के ऊपर टिक कर लें ताकि आपके ये फाइनल पेपर में या पेपर में अगर आए कि डिफाइन करें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, तो आप इन चीज़ों को लिख सकें। पर्सनल लफ्ज़ निकला है पर्सन से, तो एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, जो आपके रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा होता है, जो आपके टेबल्स को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है कि ये एक ऐसा प्रोग्रामर है, एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके प्रोग्राम को लिखता है, जो कि आपके अपने डेटाबेस को एक्सेस करता है। तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। तो प्रोग्रामर आप हैं, आप डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कोडर हैं। वो एक ऐसा पर्सन होता है जो आके आपके कोड को लिखता है, जो कि आपके इंस्ट्रक्शन को लिखता है। एंड यूज़र क्या होता है, आप एंड यूज़र हैं। ये कैसे पर्सन हैं जो कि आपके प्रोग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं। आप गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट से अपना रोल नंबर बस टाइप करते हैं और आपको रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो आप एंड यूज़र हैं, आप क्लाइंट हैं, तो हम आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है। तो ये कैसा पर्सन है जो कि डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसके अंदर शॉर्ट डेफिनेशन, पर्सनल के अंदर तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है। तो डेटा आया, डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर आपका डेटा है, DBMS है, सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस करते हैं। कुछ हैंड यूज़र होते हैं, कुछ प्रोग्रामर होते हैं जो कि बैकएंड पे बैठ के लिख रहे होते हैं, एंड यूज़र हैं जो फाइंडर आप स्टूडेंट्स हैं और राइट्स कर सकते हैं। कुछ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि इन चीज़ों को यूज़ करता है, हार्डवेयर को यूज़ करता है और इन चीज़ों को परफॉर्म करा होता है। तो ये फिगर देख लें, 1.4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं मैक्सिमम क्लास में 15 मिनट पढ़ाता हूँ, 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं जाता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।